दोस्तों ओप्पो कंपनी ने अपने दो नए स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए हैं जिनका नाम है ओप्पो P5 यूथ और ओप्पो A79। अगर आप इन स्मार्टफोन्स की स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है निशान ज्योति, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ओप्पो ने अपने दो नए स्मार्टफोन्स चाइना की मार्केट में रिलीज कर दिए हैं। वो कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन जल्द ही इंडियन मार्केट में भी आने वाले हैं। तो अब बात करते हैं इन स्मार्टफोन्स की स्पेसिफिकेशंस की। तो आपको ओप्पो P5 यूथ में आपको रैम मिलेगी लगभग 3 GB, और स्टोरेज की बात करें तो आपको स्टोरेज मिलेगा लगभग 32 GB। और अगर वहीं हम बात करें ओप्पो A79 में रैम की, तो आपको इसमें मिलेगी रैम 4 GB, और स्टोरेज की बात करें तो आपको इसमें मिलेगी 64 GB। और आप इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में SD कार्ड के जरिए से 128 GB तक बढ़ा सकते हैं। और अगर हम इसमें बात करें इसके प्रोसेसर की, तो आपको ओप्पो P5 यूथ में MediaTek का 6763T प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और अगर हम वहीं बात करें ओप्पो A79 की, तो इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek का MT6737T प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और दोनों में ही आपको माली G71 GPU देखने को मिलेगा। और अगर हम इनमें बात करें इनकी प्राइस की, तो आपको P5 यूथ में की प्राइस मिलेगी लगभग 17,900 रुपये, जो चाइना की करेंसी को कन्वर्ट इंडिया में कन्वर्ट करके बताई गई प्राइस है। और अगर हम बात करें ओप्पो A79 की, तो ये लगभग होने वाला है 23,500 रुपये के आसपास। मगर कंपनी का अभी तक प्राइस के बारे में इंडिया की कोई खुलासा नहीं किया है। अगर हम इनमें बात करें ओप्पो P5 यूथ में बैक पैनल में लगे कैमरे की, तो वो आपको मिलेगा 13 MP का कैमरा, जो होगा 2.2 अपर्चर से लेंस। और अगर हम बात करें ओप्पो A79 के बैक पैनल में लगे कैमरे की, तो इसमें आपको मिलेगा 16 MP का बैक पैनल में कैमरा, जिसका अपर्चर होगा 1.8, यानी कि ये बेहतरीन तस्वीरें लेगा लो लाइट में भी। और अगर हम ओप्पो P5 यूथ के फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करें, तो वो आपको मिलेगा 16 MP का, और जिसमें होगा आपको LED फ्लैश। और अगर इसमें बात करें अपर्चर की, तो इसमें होगा अपर्चर 2.0, यानी कि ये ओप्पो P5 यूथ का फ्रंट फेसिंग कैमरा बेहतरीन तस्वीरें लेगा, जो आप लो लाइट में भी बेहतरीन तस्वीरें खींच सकते हैं। और अगर हम बात करें ओप्पो A79 के फ्रंट फेसिंग कैमरे की, इसमें आपको फ्रंट फेसिंग और बैक पैनल दोनों 16 MP मिलते हैं, मगर फ्रंट फेसिंग कैमरे का अपर्चर होगा 2.0। और अगर हम इन स्मार्टफोन में स्क्रीन की बात करें, तो आपको इन दोनों ही स्मार्टफोन में 6 इंच की फुल SD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और इनमें बेजल्स लगभग कम होगी। और अगर हम बात करें इन स्मार्टफोन्स में आपको क्या क्या सेंसर्स मिलेंगे, तो इन दोनों स्मार्टफोन में आपको बैक पैनल में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेंगे, और इन स्मार्टफोन में आपको वन प्लस की तरह फेस रिकग्निशन से अनलॉकिंग का सिस्टम भी मिलता है। और अगर हम बात करें इन स्मार्टफोन्स में सेंसर्स की, तो इसमें आपको जायरोस्कोप, एक्सीलरोमीटर और कई सारे सेंसर्स मिलेंगे जो आम स्मार्टफोन्स में पाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ओप्पो P5 यूथ और ओप्पो A79 का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।